हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एयरटेल 5G का रिव्यू करके, या बोल सकते हैं एयरटेल 5G का मैं यूज करके बताने वाला हूँ कि वहां पर मेरे डिवाइस में वहां पर कितने MB की स्पीड आ रही है अपलोड और डाउनलोड में। मैंने वहां पर उसको दो तीन जगह पे चेक करा, या बोल सकते हैं दो तीन एरिया में वहां पर चेक करा, अलग अलग स्पीड वहां पर क्राइटेरिया मिला, कैसे स्पीड मिली है, कितनी कितनी स्पीड मिली, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। यहाँ पर मैंने स्क्रीन को यहाँ पर शेयर करा है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर मेरे पास 5G नेटवर्क आपको दिख रहा होगा कि 5G नेटवर्क अवेलेबल है, और जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, अब मैं ले जा रहा हूँ आपको स्पीड टेस्ट वाले ऐप में। आपको बताया स्पीड टेस्ट अच्छा ऐप है और वो अच्छे तरीके से वहां पर रिव्यू करता है, तो मैंने उसको यहाँ पर ऑन कर लिया और गो पे वहां पर मैंने उसको क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं वहां पर गो पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वहां पर नेटवर्क का नाम बता रहा है कि कहां से सिलेक्ट कर रहा है और भोपाल लोकेशन बता रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे डाउनलोडिंग स्पीड वहां पर कितनी आ रही है। पहले तो नीचे ड्रॉप हो गई थी, फिर थोड़े टाइम बाद वो वहां पर अप हो गई थी। लगभग यहां पर 240 या 140 के लगभग स्टार्टिंग में आ रही थी, भूल गया कितनी है, 240 के आसपास आ रही थी मेरे हिसाब से। तो 240 249 के हिसाब से ये आ रही थी, 210 आ रही है। और अपलोड में देखेंगे फर्स्ट टाइम वहां पर जो आई है 26, अभी ये कम हो जाएगी और लगभग 19-20 MBPS की स्पीड यहाँ पर दिख रही है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ भाई क्या है, इसको यूज करने के बाद मेरे साथ हुआ क्या, मैंने यहाँ पर 3-4 बार इसको चेक करा और 3-4 बार चेक करने में मेरा कम से कम 1.5 GB डेटा वहां पर लैप्स हो गया या खत्म ही हो गया भाई। अभी एक बार हो गया, अब मैं दूसरी बार आपको फिर दिखाता हूँ कि मैंने दूसरी बार दूसरी जगह पर चेक करा, फिर वहां पर मैं स्पीड टेस्ट में जा रहा हूँ, तो वहां पर आप देखेंगे वहां पर क्या स्पीड आ रही है। थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्वाइट डिफरेंस ही आ रही है, थोड़ा किसी में ज्यादा किसी में कम, कई लोकेशन पर ज्यादा आ रही है, कई लोकेशन पर कम आ रही है। सब जगह मेरे पास नेटवर्क पूरा फुल था, आप देख भी रहे होंगे नेटवर्क की पूरी स्ट्रेंथ फुल थी, उसके बाद ही वहां पर नेट थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं स्पीड सडनली पहले फास्ट आई और बाद में ड्रॉप हो गया। आप देख भी रहे होंगे 50% का वहां नोटिफिकेशन भी आ गया, बहुत जल्दी भाई मेरा नेट खत्म। अभी 50% का आया, इसके बाद मैंने दो बार और चेक करा और डायरेक्ट मेरे पास 100% यूज का आ गया। और मैं वहां पर 2 GB का डेटा पैक कर यूज कर रहा हूं, मतलब कि आप देख सकते हैं 1 GB और 1.5 GB का लगभग मेरा डेटा यहां पर यूज हो चुका है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मेरे पास वो भी आ चुका है। आप देख रहे होंगे अब इसमें अपलोडिंग स्पीड 137 MB की डाउनलोडिंग स्पीड आई है और अपलोडिंग स्पीड 16.8 आई है। अब मैंने एक बार दोबारा यही दोबारा इसी लोकेशन पर थोड़ा सा आगे पीछे होके चेक करा, अब आप देखेंगे यहां पर स्पीड थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट आएगा। पहले 137 MB आ रहा था, अब आप देखेंगे यहां पर 180-190 के लगभग आ रहा होगा। तो हर जगह सडनली थोड़ा थोड़ा लगभग मैंने जहां तक इसको देखा हर जगह 170-180 के ऊपर तो आ ही रहा है डाउनलोडिंग स्पीड, और अपलोड स्पीड 25 MB के ऊपर आ रही है। ये जहां तक मैंने उसको अभी जितनी बार मैंने यूज करके देखा भाई, पर जबरदस्त स्पीड है यार। ये मैंने स्पीड वाला जो टेस्ट वाला जो ऐप है मैंने डाउनलोड करा था, 31 MB का ऐप था, विद इन अ सेकंड यार डाउनलोड हो, जैसे ही डाउनलोडिंग क्लिक हुआ फट से राउंड पूरा ऑटोमेटिक 100 पे हुआ, मतलब दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना शानदार चला। अब आप देख रहे हैं आगे, अब एक बार लास्ट बार और जो मैंने चेक करा वाला, अब आप लास्ट वाला देखेंगे जहां चेक कर रहा हूं मैं, अभी आपके सामने 2 या 3 बार मैंने कर लिया। अब यहां पर देखेंगे एरिया अलग हो जाएगा, जहां मैं चेक करूंगा वहां पर एरिया अलग हो गया, मतलब दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हुआ है और लोकेशन वही है भोपाल, मतलब दूसरा नेटवर्क मिला। अब यहां पर स्पीड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि जो क्या बोलते हैं टावर है, टावर चेंज हुआ, अब टावर के हिसाब से स्पीड में भी फर्क पड़ा हुआ। अभी यहां पर पहले स्पीड कम आ रही थी और सेम लोकेशन पे मैंने इसको दोबारा ट्राई करा तो वहां पर स्पीड वहां पर इंक्रीज हुई, मतलब कि स्पीड थोड़ी कम ज्यादा हो रही है, पर फिर भी मेरे हिसाब से 180 MB की स्पीड आपको मिलेगी 5G के अंदर, जो कि बहुत ही लपक है यार, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी स्पीड में आप इसको यूज कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 81 MB और 21 का है। अब एक बार और दोबारा ट्राई करते हैं इसी को, मैंने दोबारा ट्राई करा सेम लोकेशन पे, सेम नेटवर्क में और सेम वहां पर टावर पे, अब आप देखेंगे यहाँ पर स्पीड अब उसकी इंक्रीज हो गई, तो वो यूजर के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये 5G के लिए, ना मैंने कोई सिम को स्वैप कराया या ना मुझे सिम चेंज कराने की जरूरत, मेरी वही 4G सिम में ऑटोमेटिक 5G नेटवर्क आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अब नेटवर्क भी, ये आप देख रहे हैं मेरे पास 90% का मैसेज आया और सडनली वहां पर 100% का मैसेज आया, सिर्फ चेक करने में मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये भी आ गया, क्योंकि जो चेक करता है जैसे 240 MBPS की स्पीड आ रही तो उतना डेटा वहां पर वो लैप्स करता है, तो जितनी बार आप चेक करोगे उतनी बार आपका डेटा वहां पर लैप्स होगा। तो आपको एक बार चेक जरूर करना, बट बार बार चेक करोगे तो आपके साथ भी यही हो सकता है जो मेरे साथ हुआ, डेटा खत्म हो जाता है। बट ओवरऑल इसकी स्पीड अच्छी है, मैंने जियो यूज नहीं करा क्योंकि मैं जियो यूज नहीं करता हूँ, मेरे पास एयरटेल था तो मैंने एयरटेल का यूज करके देखा, जो कि काफी जबरदस्त यूज हो रहा है भाई,
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको लगता है कि आपके सिटी में कुछ कम ज़्यादा होगा, पर हमारी सिटी में तो यही दे रहा है और फिलहाल अभी रोल आउट हो भी गया है यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी लोकेशन पर कितनी एमबीपीएस की स्पीड आ रही है। तो थैंक यू दोस्तों, और ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिलती रहे। और हो सके तो यार अपने भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लिया करो यार भाई, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हैं एसेट टेक, जो कि आपको मिल जाएगा मैम। थैंक यू दोस्तों।